नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनस्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। तो खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के आमगांव निवासी कुंदन सिंह ने बुधवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और मामले में दबंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। कुंदन सिंह निवासी आमगांव के अनुसार उनके चाचा को शराब पिलाकर अवैध रूप से उनसे जमीन बनामा कराने का गांव के ही सूरज जगजीवन सिंह दावा करते हैं और पैतृक भूमि पर खेती नहीं करने दे रहे हैं। जब भी पीड़ित खेती का काम करने जाता है, उसको दबंग लोग खेत से भगा देते हैं। विपक्षी के पास लाइसेंसी के साथ ही अवैध असलाह है, जिसके बल पर दबंग की जाती है। पीड़ित के अनुसार एसपी ने मौके पर पुलिस के जाने की बात कही है, लेकिन पीड़ित का कहना है कि वहां पर पहले ही पुलिस मौजूद है, पुलिस के सामने ही दबंगई की जाती है, फिर क्या उम्मीद जताई जाए कि मामले में सुनवाई होगी, उसकी सुनवाई की जाती है या नहीं। इसी मामले को लेकर पीड़ित ने आरोप लगाते हुए सारी बातें कही हैं। आज सुनाते हैं पीड़ित ने और क्या कुछ कहा। कुंदन सिंह, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला जमीनी है, जो हमारा पैतृक जमीन है। अवैध रूप से मेरे चाचा को बाला फुसला के, वो नशे में बुत रहते हैं, उनको बाला फुसला के उनका खेती लिखवा लिए हैं। उसका जो चल रहा है कोर्ट में केस, अभी क्या बोल रहे हैं कि हमारा नाम चढ़ गया, इसके लिए पूरे पैतृक जमीन पे खेती नहीं करने दे रहे हैं। और गांव के कुछ दबंग लोग को लेके अपने को प्रधान बताते हैं, आए नहीं प्रधान बताते हैं, जैसे गाड़ा हो गया, जीएस हो गया, अवैध रूप से कब्जा किए हैं, कोटेदार को साथ में लेके, खुद का लाइसेंस है, लाइसेंस हथियार दिखा के अवैध रूप पर हथियार भी लेके आते हैं, जबरदस्ती खेती नहीं करने दे रहे हैं। क्या नाम है? सूरज जगजीवन सिंह। आप ही गांव के रहने? मेरे गांव के ही रहने वाले हैं। तो आप कब गए थे खेती करने के लिए? मैं सैटरडे को मॉर्निंग में गया था 8 बजे। मेरा बीज बोया जा रहा था, आधा खेत बोया था, उतने में वो 4-6 लोग को साथ में लेके आए और जो मेरे मजदूर थे उनको हड़काने लगे और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। तो आपने एसपी साहब को ज्ञापन दिया? जी हाँ, मैं उद्यापन दिया हूँ। आश्वासन क्या मिला आपको? आश्वासन बोले कि अभी पुलिस प्रशासन जाएगा, जो कि पुलिस वहाँ खड़ा है तब भी पुलिस कोई हेल्प नहीं कर रहा है, उनका ही चल रहा है। वो बोल रहे हैं मैं 1,00,000 रुपया घूस भी दिया था एसओ को। कितनी जमीन का मामला है लगभग? मेरा जो पूरा खेती है उस पर 1/4 का वो मांग रहे हैं, बट उसमें मेरी फुआ का जो दावेदारी है वो, उनको भी हम लोग 1/5 का चल रहा है मैटर। तो हम लोग का कहना है कि कोर्ट द्वारा वो अपना बंटवारा दाखिल करें और आगे कब्जा लें, ऐसे मौखिक रूप से नहीं देंगे। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जब तक केस चल रहा है तब तक हम अपने पैतृक जमीन पर खेती करते रहें, जब कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमारा भी फैसला माने, हम प्रशासन के अधीन नहीं जाना चाहते, प्रशासन के दायरे में ही काम करना चाहते हैं। आज आप इसके साथ से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि अभी आप, मैं फ़ोन करता हूँ वहाँ से, आपको पुलिस प्रशासन जाएगी, जो भी हेल्प किया जाएगा, अब वो तो सामने जाने के बाद मालूम पड़ेगा। तो खबर आजमगढ़ से, जहां भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता सहित कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि भारत का वर्तमान स्वरूप देने वाले बाबा साहेब का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन संघर्षों को याद किया तथा उनके शिक्षा, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, न्यायिक योगदान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के संघर्ष ने लाखों लोगों को आशा का संचार किया है और उनके प्रयासों ने भारत को एक ऐसा व्यापक संविधान प्रदान किया है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। यह दिवस हम सबको उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं मूल्यों पर चलने के लिए पुनर्संकल्पित होने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई, सामाजिक न्याय की प्रतिस्थापना, सशक्तिकरण के साधनों के रूप में शिक्षा पर विशेष जोर एवं समावेशी
तथा समतावादी समाज की स्थापना के संदर्भ में उनका दर्शन आज पहले से भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के सगड़ी तहसील अंतर्गत जियनपुर नगर पंचायत कार्यालय में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस बुधवार को श्रद्धा के साथ मनाया गया। मौजूद लोगों ने समारोह आयोजित कर श्रद्धांजलि दी। जानकारी के अनुसार बुधवार को दिन में जियनपुर नगर पंचायत कार्यालय पर अधिशासी अधिकारी अमित यादव की अध्यक्षता में समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर जियनपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव ने बाबा साहेब के विचारों को बताया। वहीं पुरुषोत्तम यादव ने कहा कि संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर की ही देन है, सभी तबके के लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्य रूप से बड़े बाबू एकलाख अहमद, आलोक सिंह मुन्ना यादव, अमित पटवा, राहुल कुमार, मनोज यादव, राजेंद्र प्रसाद, इमरान कुरैशी, विशाल रावत, बहादुर इंद्रजीत सहित आदि लोग मौजूद रहे। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां तमसा प्रेस क्लब में जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। आपको बता दें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह इस समय मौजूद रहे। इस दौरान आजमगढ़ जनपद के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव अनिल यादव, महासचिव अवधेश सिंह एवं सचिव संतोष कटाई का जनपद में प्रथम आगमन पर स्वागत किया गया। कांग्रेसियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक और विद्वान थे। उनका पूरा जीवन जातिवाद को समाप्त करने और गरीबों, पिछड़ों, दलितों के उत्थान के लिए समर्पित था। वर्तमान सरकार लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने पर तुली हुई है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। वहीं मीडिया के लिए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस नई रणनीति से आगे बढ़ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश कांग्रेस ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगी। सभी लोग यह जानते हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही तानाशाही बीजेपी सरकार से लड़ने में सक्षम है, इसलिए अजय राय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में तमाम अन्य दोनों के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस में कार्यक्रम में त्रिभुवन दुबे, कौशल कुमार सिंह, सुरेंद्र सिंह, रण बहादुर सिंह, बिलाल अहमद, मन्नू यादव, तेज बहादुर यादव, मनोज कुमार सिंह, अजीत राय, रविकांत त्रिपाठी आदि लोग उपस्थित रहे। आबकारी अधिनियम व धारा 419, 420, 468, 468, 471 बनामक ज्ञात चालक व व्यापारी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है, जिसमें दोनों अभियुक्त फरार चल रहे थे। आपको बता दें गिरफ्तारी के विवरण में तो सौरभ त्रिपाठी में हमराय द्वारा उपरोक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्तों सोचन वर्मा पुत्र जियालाल वर्मा निवासी वजीमपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़, राजेश यादव पुत्र श्रीपूजन यादव निवासी लंगरपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को मुखबिर की सूचना पर शेरपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां सगड़ी तहसील अंतर्गत स्थित मौलाना आजाद इंटर कॉलेज व रफी अहमद किदवई कॉलेज की छात्र एवं छात्राओं ने उपजिलाधिकारी सगड़ी व खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता रैली निकाली। छात्र छात्राओं ने भ्रमण कर मतदाताओं को जागरूक किया। और जानकारी के अनुसार आपको बता दें तो बुधवार को दिन में सुबह 9 बजे उपजिलाधिकारी सगड़ी डॉक्टर अतुल गुप्ता व खंड शिक्षा अधिकारी कुलदीप नारायण सिंह के नेतृत्व में मौलाना आजाद इंटर कॉलेज व रफी अहमद किदवई बालिका इंटर कॉलेज अंजान सहित के छात्र एवं छात्राएं व कॉलेज स्टाफ के साथ मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। सर्वप्रथम मतदाता जागरूकता मौलाना आजाद इंटर कॉलेज से निकलकर अंजान सहित गांव होते हुए बाजार पहुंची, जहां रफी अहमद किदवई बालिका इंटर कॉलेज होते हुए मौलाना आजाद इंटर कॉलेज में जाकर मानव श्रृंखला बनाई गई। आपको बता दें कि जागरूकता रैली में आगे आगे बैनर लेकर छात्र छात्राएं चल रहे थे। हाथों में स्लोगन लिखी होल्डिंग के साथ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नारेबाजी, लोकतंत्र की सुनो पुकार, मत खोना अपना अधिकार, मतदान करें, राष्ट्र कल्याण आदि की नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। इस दौरान उपजिलाधिकारी सगड़ी अतुल गुप्ता एवं खंड शिक्षा अधिकारी कुलदीप नारायण सिंह तथा इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक एवं जियनपुर एसआई अभिषेक यादव, रविन्द्र प्रताप सिपाही, विनरेश कुमार, राहुल सिंह, विकास यादव, जितेंद्र यादव व बेसिक शिक्षा परिषद के दर्जनों अध्यापक इस दौरान मौजूद रहे। तो खबर आजमगढ़ से, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज विकास खंड विलरियागंज के ग्राम गढ़वल में योजनाओं के संतृप्तिकरण के लिए आउटरीच गतिविधियों पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद के प्रभारी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी ने दीप प्रज्वलित करके। आपको बता दें उपस्थित बड़ी संख्या में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि देश और प्रदेश की सरकार में विभिन्न द्वारा
विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ देने के लिए तथा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि दूर दराज के ऐसे क्षेत्रों जहाँ के व्यक्ति विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें संतृप्त के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रदेश सरकार के विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करेगी। उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता को उखाड़ फेंका जाएगा। उन्होंने कहा कि जिधर देश की रक्षा की और उनके सम्मान किया जाएगा तथा अपने दायित्व एवं का निर्वहन करते हुए भी करेंगे, हर कोई कानून का पालन करें। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को स्वच्छ भारत एवं स्वच्छ भारत बनाने में योगदान देंगे। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने पर गरीब मजदूर अनुसूचित जाति का है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं को लागू किया है तथा गांव-गांव तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी गरीब का घर एवं शौचालय नहीं है तो सरकार उसे बनवाएगी। अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन प्रसार निरीक्षक चंदौली व पुलिस कार्यालय पुलिस लाइन के समस्त अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भारत रत्न हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। हम सब लोग इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाबा साहेब ने हमेशा जो मार्ग दिखाया है समाज के कमजोर तबकों और गरीबों के लिए, जो उनके संकल्प थे, मुझे विश्वास है कि आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि बाबा साहेब ने जो भी मार्ग दिखाया है हम उस पर चलेंगे और संविधान का सम्मान करेंगे ताकि संविधान की गरिमा कायम रह सके। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड आजमगढ़ द्वारा डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान में आयोजित तो मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 5 दिसंबर से 19 दिसंबर तक शुभारंभ की गई। आपको बता दें, इसमें कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश शासन प्रभारी मंत्री आजमगढ़ सूर्य प्रताप शाही के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 15 दिवस के लिए लगाया जा रहा है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से खादी उत्पादों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि खादी का रिश्ता हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई से ही जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी ब्रिटेन और औद्योगिकरण के बाद जब अपना अध्ययन पूरा करके भारत वापस आए तो उन्होंने स्वदेशी के ऊपर बहुत बल दिया और स्वदेशी के माध्यम से जो अपने देश में कुटीर उद्योग धंधा था उसको बढ़ाया जाना और विशेष रूप से जो कि भारत में प्रसिद्ध हमारा ढाका जो कि मलमल कर रहा है वो अभी हथकरघा के रूप में खादी का ही हिस्सा रहा है। जितना महीन कार्य मशीन कर पाती है उससे भी ज़्यादा महीन कार्य हमारे देश के लोग करते हैं। हमारे देश के ढाका का मलमल पूरी दुनिया के भीतर प्रसिद्ध था। उसको जीवंत रखने के लिए, जागृत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कुटीर उद्योग धंधे बड़े हैं। वहीं उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी ने चरखे से इसकी शुरुआत की थी और कहा था कि कम से कम अपने दिनचर्या के भीतर 1 घंटा आप सूत काटिए जिससे कि स्वदेशी वस्त्र को आप धारण कर सकें तथा आत्मनिर्भर बन सकें। और इसलिए खादी स्वतंत्रता आंदोलन का एक परिवेश बनकर आगे की ओर उभरा है और हमारे देश के भीतर वह जागृति का एक कारण रहा है जो गांव-गांव तक पहुंचा है और इसके माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में उसका भी बहुत योगदान रहा।